हे गाइस, कैसे आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मेरा फिर से डे स्टार्ट हो जाता है विथ लॉट्स ऑफ वर्क। आज पहला जो काम है वो है ये कि मुझे एक्वेरियम पापा के साथ साफ़ करना है, जो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं ब्रश करने गई थी, मैंने सोचा चलो अब व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि वो किस तरह से सफाई हो रही है। ये मेरा एक्वेरियम है जो पूरी तरह से क्लीन हो गया है, और ये एक्वेरियम को पापा ने साफ़ किया है प्रॉपर। देखिए गाइस कितनी साफ दिख रही है। और मेरी सारी फ़िश रखी हुई है सेफली, और फिर जितनी जल्दी हो सके हम लोग एक्वेरियम में पानी डालेंगे और फिर इसे डाल दूंगी मैं। गए हुए हैं कुएं के पास यानी कि बाहर, और वहाँ पर जो एक्वेरियम का जो छोटा छोटा स्टोन होता है उसे क्लीन करने गए हुए हैं। तब तक मैं नाश्ता कर लूँगी और फिर से मैं रेडी हो जाऊँगी एक्वेरियम को डेकोरेट करने के लिए। तो चलो गाइस स्टे ट्यून। ये गाइस, तो ये है मेरे पिंकू महाराज। पिंकू, क्योंकि ये पिंक कलर का इसलिए इसका नाम पिंकू है। पिंकू सबको हाय बोलो, हाय बोलो ना बेबी। ये है एक मेरा पिंकू महाराज, और ये टेडी मुझे गिफ्ट किया गया था गाइस। तो ये थोड़ा सा बड़ा वाला टेडी है, गर्ल टेडी। तो चलो गाइस बने रहो और मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट वर्क मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि बिना काम किए तो मैं रह नहीं सकती। कुछ ना कुछ काम तो मुझे मिलता ही रहता है। तो अभी चलो दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट वर्क क्या करने वाली है। ये गाइस, तो नेक्स्ट वर्क मेरा था मशरूम धोने का, लेकिन मम्मी ने इसे धो लिया क्योंकि मम्मी के पास पेशेंस नहीं था। वो फटाफट चाह रही थी कि ये काम कर ले जल्दी, और क्या मैं बोलूँ, कर ली तो अब छोड़ देती हूँ ये काम। और ये मशरूम मुझे मॉर्निंग मिली थी, मुझे नहीं, मेरे घर पे लाया गया था और किसी ने लेके आया था, मेरे भाई का फ्रेंड था वो लेके आया था। तो आज हम लोग मशरूम भी बनाएंगे, और मशरूम को हम लोग खुकड़ी कहते हैं, छत्तू कहते हैं, तो यही है। तो चलो गाइस अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून। तो गाइस, ये जो दाना है, जो स्टोन है मछली का एक्वेरियम का, इसे वॉश करके प्रॉपर, देखो गाइस एकदम प्रॉपर वॉश करके सर्फ से हम लोगों ने इसे क्लीन करके फिर से बिछा दिया है। और अब वेट कर रही हूँ मिनरल वाटर का, तो वो जब लेके आएगा फिर इसमें हम लोग डालेंगे, देन फिर मछलियों को डालेंगे। हाफ एक्वेरियम में पानी डालने के बाद अब धीरे धीरे करके मैं मछलियों को उस पर एक्वेरियम पे डालने लग गई। अब मुझे डर तो लगता है जब भी मैं मछली को एक्वेरियम में डालती हूँ, तो क्योंकि वो इतना फड़फड़ाती है ना, लगता है कि अब गिर जाएगी, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है। और जैसे वो गिर जाती है तो फिर यहाँ वहाँ फुदकते हुए जाती है, जिससे उसे चोट भी लग जाती है। इसलिए मैं बहुत संभल के डाल रही हूँ। इस बार तो मेरे हाथ से एक भी मछली नहीं गिरी। यहाँ भाई फिर जार से पानी ले आता है, और फिर मैं भाई को हेल्प कर रही हूँ कि चलो मैं भी सपोर्ट कर देती हूँ पानी डालने में। वो कह रहा है रहने दो, मैं कर लूँगा। और वैसे भाई तो सुपरमैन है ही, ताकतवर। और यहाँ पर सारी मछलियाँ खुशी से तैर रही है, पूरा फ्रेश मूड पे नहा धो के। इन लोगों का नहाना तो यही हुआ ना, पानी चेंज हुआ, इसका मतलब नहा लिया। तो ये रही गाइस मेरी प्यारी प्यारी मछलियाँ फ्रेश पानी में तैरती हुई। चलो गाइस, एक्वेरियम साफ़ हो गया, मछली भी फ्रेश हो गई, उसे भी चारा वगैरह सब दे दिए। अब वो अच्छे से मस्त तैरेगी फ्रेश पानी में। और घर का बस तब पोछा लगाना बाकी है मुझे, अब वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर स्नान कर लूँगी यानी नहा लूँगी, और फिर रेडी हो जाऊँगी। तो चलो गाइस, फिर शाम का क्या शेड्यूल होगा तो फिर मैं शाम को बताऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून। यहाँ पर जब भाई ने बोला कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तो उसी वक्त उसे क्या सूझी पता नहीं, मेरा भाई बोलता है कि चलो एलेक्स को भी नहला देते हैं। और मैं बोली बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एलेक्स सबके बस का नहीं है गाइस। उसे नहलाना मतलब नाको चने चबाने के बराबर है, और वो सबकी सुनता भी नहीं है और सबके कंट्रोल का है ही नहीं, या तो मेरा भाई या तो फिर मैं। और मैं तो बहुत खुश हो गया। फिर गाइस भाई ने नौरा को भी नहला दिया। मैंने कहा चलो भाई, लगे हाथ दोनों नहा लिए। उसके बाद देखिए दोनों बाप एंड बेटी नहा धो के रेडी, और फिर मस्त ये लोग शैम्पू एंड सोप दोनों से नहाए गाइस। फिर गाइस बारी आती है चुटरू की। चुटरू बहुत ही शांत है गाइस, मतलब वो तेज़ तरार है, लेकिन जब वो हम लोगों के साथ रहता है तो बहुत फैमिलियर है, उसे कोई दिक्कत नहीं है नहाने धोने या किसी भी चीज़ में। सारे बच्चे मेरे नहा धो लिए, भाई मेरा बहुत बड़ा काम कर लिया, टेंशन मुक्त। हे गाइस, शाम हो गई, और शाम में मुझे जाना था मार्केट, जो मैं निकल चुकी हूँ मार्केट में।
और यहाँ मैं आ गई जूडियो, क्योंकि जूडियो में मुझे कपड़ा जो था वो मुझे एक्सचेंज करना था और मैंने बिल खो दिया, फिर भी जैसे तैसे मैंने कपड़ा आखिर एक्सचेंज कर ही लिया। अब बारी है गाइस इवनिंग स्नैक्स की। पता नहीं गाइस अभी कुछ दिन से ना मैं रेगुलर मोमो खा रही हूँ। मैं बाहर निकलती हूँ मुझे मोमो ही खाने का मन करता है, तो मैं अभी खा रही हूँ चिकन मोमो और साथ ही मैंने खाया चिकन लॉलीपॉप, डिलीशियस। गाइस तो घर वापस आ गई हूँ और बारिश भी हो रही थी गाइस, तो हम लोग कहीं रुके हुए थे कि थोड़ी बारिश कम होगी तो फिर हम लोग निकलेंगे। तो जैसे बारिश कम हुई फिर हम लोग निकले वहाँ से और फिर कुछ खाया, तो अब पेट भर गया तो ऑब्वियस ही बात है नींद तो लगेगी। अब मुझे थोड़ी सी नींद लग रही क्योंकि दिन भर आज थोड़ा रेस्ट नहीं हो पाया। और देखो गाइस मैं अभी कुछ खास वीडियोस तो नहीं दे पा रही हूँ जो मैं रोज़ का कर रही हूँ अपने घर पे, और बाहर जा रही हूँ तो वहाँ का वीडियोस दे रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस। आगे बढ़ूँगी तो डेफिनेटली कुछ अच्छे वीडियोज़ भी आएंगे और आने वाले भी हैं, मतलब अपनी बातें अपनी कहानी। तो अभी थोड़ी सी म्यूट होकर चल रही हूँ, बट ज़रूर आप लोगों से हर चीज़ें शेयर करूँगी। लेकिन अभी थोड़े से और ओपन होने के लिए मुझे थोड़ा सा और अभी बढ़ना है यूट्यूब में। तो चलो गाइस इसी तरह मैं बढ़ते रहूँगी और आप लोग इस तरह से मुझे सपोर्ट करें। तो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा, टेक केयर, लव यू ऑल।